एक नेता जो मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, एक नेता जो अपने लोगों के लिए किसी से भी लड़ जाता है, एक नेता जिसके केंद्र में सर्वहारा वर्ग का विकास था, एक नेता जब विधानसभा अध्यक्ष बना और वहां से मुखर होकर अपने लोगों की आवाज, आम आदमी की आवाज लेकर सदन पहुंचा, तो सबके केंद्र में एक ही बात थी कि अब सब कुछ सही होगा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की। श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश राजनीति के एक ऐसे नाम जिन्हें हर कोई जानता है। नेताओं के बीच जब उनकी चर्चा होती है तो उनके किस्से आज भी बहुत प्रचलित हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की चौथी पुण्यतिथि है। समर्थक आज भी उन्हें याद करते हैं, उनके वो किस्से जिस दौर में वो सियासत के मजबूत खिलाड़ी थे, जब तक जिए शान से जिए और अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ ऐसे किस्से जिन्हें आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। सच कहा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका, सदन और सरकार पर नियंत्रण का पाठ श्रीनिवास तिवारी ने ही पढ़ाया। दबंग आवाज के धनी श्रीनिवास तिवारी की यादें सदन से लेकर रीवा जिले तक हमेशा अमर रहेंगी। गहन संसदीय ज्ञान, सदन में मजबूत पकड़ और कानून की बेबाक जानकारी और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण ही उन्हें विधान पुरुष माना गया। प्रतिद्वंदियों पर अंकुश रखने की कला में माहिर श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने कभी आरोपों और आक्षेपों की परवाह नहीं की। जनहित, विंध्य हित और सत्ता की निरंकुशता के प्रति प्रतिकार को धर्म की तरह निभाया। अविभाजित मध्य प्रदेश और उसके बाद भी उन्होंने पृथक विंध्य की वकालत की। वह यादगार दिन था जब विंध्य प्रदेश का विलय कर मध्य प्रदेश बनाया जाना था और उसकी पूर्व संध्या पर हुई बहस में सदन में लगातार 5 घंटे तक पृथक विंध्य प्रदेश के पक्ष में भाषण देकर सदस्यों को स्तब्ध कर दिया था। सदन मौन रहकर उनकी बात सुनता रहा। इसी तरह जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी 8 घंटे भाषण दिया था। श्रीनिवास तिवारी राजनीति के एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने सुचिता की राजनीति की, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग के हित की राजनीति की और अपने राजनीतिक पराक्रम से क्षेत्र, राज्य की सीमाएं लाग कर केंद्र में एक मजबूत दस्तक दी। सोशलिस्ट से करियर शुरू हुआ और जब कांग्रेस में आए तब उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि अब जब तक जीवित हूं कांग्रेस में ही रहूंगा। एक किस्सा सन 2003 के विधानसभा चुनाव का हमेशा चर्चा में रहा। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए श्रीनिवास तिवारी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्लेन उतरने नहीं दिया। दरअसल मामला कुछ हटकर था। उन्होंने अटल जी को रीवा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। वजह थी कि रीवा में अटल जी की सभा के दौरान किसी ने पर्ची में श्रीनिवास तिवारी की शिकायत की थी। तब अटल जी ने तंज कसा था कि श्रीनिवास को सफेद शेर कहते हैं और उनसे भयभीत रहते हैं, वो किसी के काम नहीं होने देते। सरकार जाती थी विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में। यह किस्सा भी हमेशा चर्चाओं में रहा। जब तक श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष रहे, कभी अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी काम के लिए मुख्यमंत्री के कक्ष या बंगले में नहीं गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी उनके पास मंत्रणा और निर्णय के लिए आते रहे। बतौर विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने स्वयं मर्यादा का पालन किया और सरकार को भी मर्यादा में रखना सिखाया। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के निधन के बाद उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग कई बार इस बात की भी चर्चा करते थे कि अब शायद वैसा नेता हमें कभी नहीं मिल पाएगा। और बात सही भी है, जिस नेता ने प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक मजबूत प्रतिनिधित्व किया हो, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, विंध्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण किया हो, विंध्य प्रदेश की भी बात की हो, अब वो हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनके किस्से, उनके काम, उनके सियासी चर्चे आज भी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। और लोग जब उनका जिक्र करते हैं तो कई बार भावुक भी हो जाते हैं।
क्योंकि पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का जो दरबार था वहां पर समाधान भी था, हर समस्या के लिए लोग वहां पहुंचते थे और एक निर्णय के बाद, एक समाधान के बाद वापस लौटते थे। उनके समर्थकों का कहना है कि श्रीनिवास तिवारी के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये किस्से आपको भी जानने बेहद जरूरी थे। बहुत बहुत धन्यवाद।